कविता सुनाना चाहता हूँ जो रिलेटेड है महाभारत से, ठीक है, क्योंकि महाभारत हमारे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ अपनी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, है ना। तो ये मैं आप सभी के सामने एक प्रतिबिंब बनाना चाहूँगा, मतलब एक बिंब बनाना चाहूँगा जो कुरुक्षेत्र के मैदान का है, है ना, कि कुरुक्षेत्र के मैदान का है। तो कहते हैं तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे, एक तरफ से योद्धा सारे एक तरफ समय के मारे थे, एक तरफ से योद्धा सारे एक तरफ समय के मारे थे। महासभा की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पात के रथ को केशव स्वयं हार रहे थे जी, और पात के रथ को स्वयं केशव हार रहे थे। रणभूमि में सारे सभी नजारे देखने के लायक थे, रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र के महासभा में एक पल में सिर साया डाला। पांच जन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला, पांच जन उनके संघ का नाम है कृष्ण के, उठा उन्होंने एक पल में ही बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार और एक आंख को मीच करा, गांडीव पर रखवालों को प्रत्यंचा को खींच करा, गांडीव में रखवालों को प्रत्यंचा को खींच करा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तस्वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा भी यहाँ, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार सुनो काना, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद उठाया है। गुरु द्रोण ने बाण धनुष का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार जुटाया कुंती मात हमारी ने। कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुर्जर खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। मानव दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक हैं, पर मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, आखिर ये कैसे भी हैं, हे माधव आखिर ये कैसे भी हैं, यह तो ताऊ के बेटे हैं, है ना। छोटे से भूभार की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण का अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों में होता राजभोग का अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, गांडी उठाने में बात जितनी भी देर रहा होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। हे माधव मुझे बताओ कुलनाशक कैसे बन जाऊँ। नक सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है, रण में जीवन दान बताओ, और काम क्रोध की बात करते हो तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, लोग कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, ब्रह्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फंदे में मर्दन करने वाला हूँ, और बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर जितना कश्यप फाड़ दिया, और रथ नहीं तनिक भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ गांडी वहां में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ जैसे ही मेरे माधव का रथ थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा खासा अर्जुन रथ में अचानक खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। अर्जुन कहता है कि जितने भी यहाँ अधर्मी हैं, जितने भी
यहाँ अजर्मी है, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। इधर बाण चले पार्थ के, इधर बाण चले पार्थ के, सब पीछे हट जाते थे, गढ़ भूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे, धर्मभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर, धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी कि ये केवल केशव की माया थी।